गुंडाई है दोस्त। अब गुंडाई ना बोले भैया, मिर्जापुर पिक्चर के मुन्ना भैया बन रहे थे। देखो भैया मार चढ़े जा रहे, कंटा पे कंटा मार रहे थे, खुलेआम भैया गुंडाई दिखा रहे। देखो कैसे मार रहे थे, यू देखो लबड़ियाधीन बेचारे पुलिस कांस्टेबल के पुलिस लाइन में घुस करके कंटा पे कंटा मारा। एक दो वकील साहब तो हाथों पकड़ रहे थे, तो वो भैया कंटा पे कंटा मार रहे थे और महतारी बाप की गाड़ी बक रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ पर देखो भैया आरोप लगाया कि भैया वकीलों ने पुलिसकर्मी को पीट दिया था। देखो देखा भैया वकील साहब ने हाथ पकड़ रखा था, कांस्टेबल को घंटा पे घंटा खाना पड़ा, गाली भी सुननी पड़ी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मामा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का बताया जा रहा, जहाँ पर वकीलों ने भैया पुलिस लाइन में घुस करके पुलिसकर्मी को बहुत पीटा। इतना पीटा कि गाल गुब्बारे भी सलाल हो गया और महतारी बाप की गाड़ी बकरे थे, जैसा कि आपने सुना लिया। अब इस दरमियान जो वीडियो बना रहा था वो भी लड़का कह रहा था कि देखो भैया ये गुंडाई बहुत अच्छी थी दोस्त, ऐसे मारपीट की जाते हैं, वकील था या कोई और था, सुनो। ये गुंडाई अच्छी है दोस्त, ये गुंडाई अच्छी है गुरु। मार रहा है पुलिस वाले को। ये कौन है? ये है कोई होगा पुलिस वाले का हाथ छोड़ रहा है। हाँ छोड़ रहा है, मार रहा है। हाँ मारा है। अरे वकील क्या है फर्जी है। अब जो आदमी वीडियो बना रहा था वो भी कह रहा था कि भैया ये वकील नहीं हो सकता, जो मारपीट करे पुलिसकर्मी को उठा उठा के पीटे, भैया घंटा पे घंटा बरसाए, महतारी बाप की गाड़ी बक के, वो बकता वकील तो नहीं हो सकता, कोई फर्जी होगा। अब पता नहीं कौन था भैया लाल सदरी में आता है और कांस्टेबल पर घंटा पे घंटा बरसा देता है, दुनिया भर की गाली बकता है, जैसा कि आपने सुन लिया। फिलहाल वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने भैया मामले को गंभीरता से लिया और 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। सुनो साहब का बोला, 23 को पुलिस लाइंस कानपुर कमिश्नरेट के प्रांगण में प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी मोहम्मद इरफान की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 83/23 अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 225, 186, 332, 353 भादवी व 7 CLA एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दर्ज दी। अब पुलिस लाइन में घुसकर कांस्टेबल को पीटने वाला छोड़ा नहीं जाएगा भैया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बात तो हमने सुनी ली, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फिलहाल आपकी क्या रिकमेंड कीजिएगा, वीडियो शेयर कदम धुलेगा शर्मा साहब को हमसे मिलेगी दबा दबा लगे। पर फिलहाल कानपुर के लिए अखिलेश दास की रिपोर्ट, हमने कहा दिखा दिया आपको, देखो भैया कैसे मारपीट हो गया। आपकी क्या रिकमेंड कीजिएगा।